हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ एक हेयर पैक। और ये हेयर पैक के बारे में आप लोग जान लीजिए पहले कि क्या क्या वर्क करेगा। ये हेयर पैक है जो हमारे हेयर की ग्रोथ को काफ़ी इम्प्रूव करेगा, बालों को काफ़ी सिल्की शाइनी बनाएगा। अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो रिमूव करेगा, दो मुँह बाल जो हो जाते हैं उनको भी ख़त्म करेगा धीरे धीरे। और अगर आपके बालों में रूखापन है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी ये सही करेगा। और ये जो पैक होगा ये बारिश के मौसम के लिए, गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आपके सिर में खुजली की प्रॉब्लम हो तो वो भी सॉल्व करेगा, बालों को काफ़ी सॉफ्ट बनाएगा और जो आपके बालों को मोटा करेगा, जो बालों की थिकनेस है उसको बढ़ाएगा ये। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले देखिए, मैंने ले रखा है ये जो है, ये है मलाई, नारियल की मलाई है ये, जो नारियल पानी हम पीते हैं उसमें निकलता है। ये भी दोस्तों हम फेंक देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, बाकी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है हमारे बालों के लिए, काफ़ी सॉफ्ट बना देगा हमारे हेयर्स को। तो हमने ये लिया है मलाई, और हम एक जार में डायरेक्ट ही मैं इसमें डालती जाऊँगी क्योंकि हमें इसे पीसना है। ये मैंने 2 चम्मच के आसपास लिया है। और अब हम लेंगे इसमें कुछ पपीता लेंगे, और मैंने ये एक बाउल पपीता लिया है। और अब ये है पाइनएप्पल की प्यूरी बना ली थी मैंने, वो है। आप अगर है तो डालिए ऐड, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं ये डाल रही हूँ पाइनएप्पल, इसलिए मैं लेमन नहीं ऐड कर रही हूँ। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही, 4 चम्मच में दही डाल देती हूँ इसमें। आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्वान्टिटी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है इसमें, और ये बिल्कुल नेचुरल है जो हमारे बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हनी, हनी से काफ़ी सॉफ्ट बाल हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं, तो मैं 1 चम्मच के आसपास इसमें ऐड कर देती हूँ। और अब लास्ट हम इसमें ऐड करेंगे भृंगराज पाउडर, ये देखिए भृंगराज पाउडर है, और इसमें मैं ये 2 चम्मच ऐड कर दूँगी। देखिए मैं भर के डाल रही हूँ, और अब मैं इसे पीसूँगी तो ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अगर आपको ज़रूरत लगे, अगर ज़्यादा थिक पेस्ट बन रहा है तो आप थोड़ा सा कर्ड और मिला सकते हैं इसमें, और मैं इसके हिसाब से इसकी, ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है हमें और ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना है, इसका पेस्ट अच्छे से बालों में अप्लाई हो जाए ऐसा बनाना है। और ये देखिए मैंने अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है, काफ़ी स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। और दोस्तों, अगर आपके पास पपाया नहीं है तो आप इसमें बनाना भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने अच्छे से इसको निकाल लिया है, ये देखिए ये ऐसा लगेगा। और अब मैं इसमें लास्ट ऐड करूँगी एसेंशियल ऑयल, मैं पीपरमेंट का एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और ये एसेंशियल ऑयल काफ़ी अच्छा है गर्मियों के लिए, ये काफ़ी कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, काफ़ी ठंडक देता है हमारे सिर को, इसलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ। अगर है तो यूज़ कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे, फिर अब हमें अपने बालों में इसे अप्लाई करना है पूरा अच्छे से। और अप्लाई करने के बाद आप आधे इसे 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए, और उसके बाद फिर अपने बालों को वॉश कर लीजिए। और शैम्पू नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, बट लगाना चाहें तो थोड़ा बहुत ही लगाइए, और वरना अवॉइड ही कीजिए। और फिर ऑयलिंग करने के बाद फिर नेक्स्ट डे आप शैम्पू करिए, तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। और आप इसको वीक में 1 टाइम ज़रूर यूज़ कीजिए, और कम से कम 1.5 से 2 महीने आप इसे यूज़ करेंगे तो इसके इफ़ेक्ट्स आपको खुद ही दिखने लगेंगे कि इसके कितने अच्छे बेनिफिट्स हैं। ये हमारे हेयर के लिए काफ़ी अच्छा पैक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।